क्वारंटीन 3 दिन का, सच में क्वारंटीन 3 दिन का। पहुंच गया भाई सिंगापुर, और सिंगापुर मेरे लिए बहुत बुरा रहा। आते ही मैं पॉजिटिव डिक्लेयर हो गया और 3 दिन का क्वारंटीन फेस करना पड़ रहा है भाई। क्वारंटीन के नाम पे जो है गंद मचा रखी है ना यार, बताऊंगा अभी बात है। 3 दिन यहीं हुआ, कैसा खाना डाला सब कैदी को डाला हूँ। दिस पुट हियर, खाना दिया है जैसा दिया ना खाना कैदियों को, बाहर रख के चला गया नौकर के। एग क्या भाई, लूट मचाई है। बस ये देख लो कमरा, नहा लूँ धो लूँ फिर बताता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ। कार डाला अपना चालू, सारा सही बाथरूम है वो भी क्वारंटीन के अंदर। हाँ सम्मान सुमून तो काफी दिया है, बस बाहर नहीं जा सकते 3 दिन बाद। दिए करेगा तब जाएंगे भाई, हम 3 दिन यहीं बसेरा है। ये होटल से बाहर का व्यू, सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तारीख 23 फरवरी, टाइम हुआ है सिंगापुर का तकरीबन 1 बजे, और तुम्हारा भाई हो गया 3 दिन के लिए क्वारंटीन, आइसोलेट, कुछ भी कह दो। ARTI पॉजिटिव आया, लेकिन कहते हैं जो पर्पल लाइन थी बहुत लाइट थी। डॉक्टर बोले कि या तो ये पोस्ट कोविड हो सकता है या प्री कोविड हो सकता है, तो क्या करना, क्वारंटीन, कुछ नहीं कर सकते। तो जो पहले होटल करवाया था वो कैंसिल करा, क्योंकि वो लोग कोविड पॉजिटिव को गेस्ट को नहीं अलाउ कर रहे थे। अब आया हूँ एक और होटल में जिसका नाम है स्ट्रैंड होटल, जो कोविड पॉजिटिव होटल्स को कोविड पॉजिटिव गेस्ट को लेती है, झेलती है, और यार दबा के कमाती है, दबा के। सुनो कहानी, देखो क्या है। मैं जयपुर से निकला, टेस्ट करवाया, नेगेटिव था, सब फॉर्मेलिटी थी, करके आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दिल्ली में भी दोबारा टेस्ट कराया हम लोगों ने, क्योंकि मेरा 48 आवर्स से पुराना हो चुका था, वो भी नेगेटिव था। चलो भाई मजे मजे में निकल के मैं आ गया सिंगापुर एयरलाइन से, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ था, खाता पीता आ गया। सुबह 4:30 बजे मैं लैंड हुआ सिंगापुर, तब तक सब स्मूथ चल रहा था, कोई ऐसे इशू नहीं हुआ। इमिग्रेशन भी बहुत स्मूथ था, गिनती के 2 क्वेश्चन पूछे, कहाँ ठहरोगे, क्यों आए हो, सर्विस में हो। मैंने बोला नहीं, टूरिस्ट वीज़ा है मेरे पास में, शॉर्ट टर्म वीज़ा है। क्या ठीक है, कहाँ ठहरोगे, नाम बता दिया। बाकी अराइवल कार्ड मैंने भर रखा था, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। मुझे पैम्पलेट सा पकड़ा दिया कि बोले कि आप 48 आवर के अंदर यहाँ ARTI करवा लेना। बस भाई कहानी शुरू हुई यहाँ से। मैं अपना ऑटो करके चाइना टाउन आ गया, बैकपैक इन महावाहियात होटल, बैकपैक इन चाइना टाउन में, मतलब शर्म नहीं है लोगों को। इसे कोई कहानी सुनाऊंगा, अभी 3 दिन यही हूँ। वहाँ आ गया, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, जबकि मैंने उनको उम्मीद डाली थी कि मैं सुबह 8:30 तक आ जाऊँगा, कोई रिप्लाई नहीं दिया।
उन्होंने मुझे अलाउ ही नहीं किया कि बोला आप यहाँ जो चेक इन टाइम है 2 बजे का है। तो मैंने बोला भाई ठीक है पैसे ले ले, प्लीज अर्ली चेकिंग करवा दे, कि वो अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन ही था। घूमता रहा करते करते 10 बजे मैं पहुंचा अपने ARTC जो QTC जो होता है यहाँ पे सेंटर, वो करवाने के लिए पहुंचा। QTC का उन्होंने टेस्ट किया, 15 SGD लिए, और रिजल्ट देखा मैंने जो टेस्ट किट होती है, तो मुझे कोई दोला नज़र नहीं आई थी। उन्होंने बोला ठीक है आप नेगेटिव हो जाओ, हम लोग अप्रूव ये जो होगा रिजल्ट ये MOH की साइट पे हम डाल देंगे। ठीक है, मैं हैप्पी वापस आ गया। 10 मिनट बाद में ही मुझे वापस क्लिनिक से फोन आया कि नहीं आप पॉजिटिव हो, एक बहुत बारीक पतली पर्पल लाइन है, तो शायद आप पॉजिटिव हो के मतलब पोस्ट कोविड स्टेज में हैं आप, तो यू नीड टू आइसोलेट योर सेल्फ। ठीक है भाई, 7 दिन में कर लिया गया ट्रिप। थोड़े बाद में मेरे पास मेहमान से मैसेज आया कि भाई नहीं, अगर आप हेल्दी हो तो आपको 72 आवर्स का आइसोलेशन चाहिए, और थर्ड डे आपका फिर से ARTC होगा, और अगर वो नेगेटिव आ गया आप घूमो, पॉजिटिव आ गया फिर 3 दिन स्टे करो, फिर करो और ये वो करके। अब मैं अपने बैकपैक होटल में आया, मैंने बोला यार ऐसे ऐसे लफड़ा हो गया, मुझे आइसोलेट करना है। उन्होंने बंदे लिटरली मेरा बैग उठा के बाहर रख दिया कि हम लोग सॉरी हम लोग नहीं ले सकते आपको, यार बताओ तो तरीका है यार। फिर पता करते करते बड़ा सर्च मारा तो एक ये जहाँ भी ठहरा हुआ स्ट्रेड होटल यहाँ मिला। ये भाई साहब पूरी दुकानदारी, 3 दिन का $200 स्टे, $200 रूम का सफाई करने का, $150 आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट और QRT वगैरह मिला के 800 का बिल उन्होंने घिस डाला है, $800 का, जिसमें ये खाना प्रोवाइड करेंगे, बाहर नहीं जा सकता मैं, जो मुझे ऑर्डर करना है वो इन्हीं को करना है, ये लोग मुझे ला के दे देंगे। देने का सीन भी भाई अल्टीमेट है, मतलब एकदम ऐसे फीलिंग आएगी ना आपको कि मतलब क्या करके आए हो आप लोग। जस्ट मैं दिखाऊंगा अभी, मेरे गेट के बाहर एक चेयर से लगी हुई है, बंदा आएगा गेट नॉक करेगा और टेबल पे जो आपका पैकेट पार्सल होगा वो रख के चला जाएगा, अछूत सा बना दिया एक। तो भाई ये है कहानी, 3 दिन के $800 लगा चुका, फूड इनका है इंक्लूड, फूड खाना, और खाना आया है दिखा रही मैंने, देखता हूँ अभी क्या दिखाता हूँ आपको क्या क्या आया कैसा आया है। 3 दिन भी, अब आज 23, 24, 25 तक आइसोलेशन, 26 को फिर 10 बजे मेरा टेस्ट होगा, और दुआ करो भाई नेगेटिव आ जाए ताकि कुछ दिखाऊँ आपको। और चलो अब आपको मैं फटाफट कमरे का टूर देता हूँ, खाना कैसे मिलता है वो दिखाता हूँ, खाना क्या मिला वो दिखाता हूँ, और चलो देखो। देखो ये है पहला रूम मेरा, रूम ऐसा बढ़िया है, लेकिन यार पैसा मतलब 3 दिन का बहुत लिया है। डबल बेड, लेकिन क्या फ़ायदा, कोई आ नहीं सकता। ये नहीं दिया, ये मैं लेके आया हूँ, ये मेरा सारा, ये पूरा सेटअप उनका है, पानी का बोतल भी मैं लाया, बाकी ये पूरा सेटअप ने दिया। ये उन्होंने लंच में फ्रूट्स, इसे मैंगो का कुछ था, ये रहा, और ये है ये लंच है इनका, ओके लंच ये लोग प्रोवाइड करवाएंगे, लंच डिनर चाहे ब्रेकफास्ट भी है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ का सीन कैसे खाना ये लोग देते हैं। ये चेहरा देखे, वो वहाँ खाना रखा हुआ उसका,
ऐसे चेयर पे यहाँ ये खाना रख जाएगा, ये कर देगा, ये लिखा हुआ है मील फॉर वन पैक्स बस। 3 घंटे भाई यही जिंदगी है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, कुछ वीडियो एडिट करने थे एडिट करेंगे यार। ये ना यहाँ कभी आओ ना, ये पीना बहुत मस्त है, जैस्मिन का आपके टी और ये जैपनीज टी। ये तो मैं पीता हूँ, बैंकों वगैरह जाता हूँ तो मैं मोस्टली पीता हूँ, और ये मिल्क बहुत सही रहता है यार। चलो अब खाना खाते हैं, दिखाता हूँ खाना कैसा है। तो बस ये कुछ बिस्किट विस्किट लेके आया था ये मेरे रूम से। अब यहाँ से 3 दिन बाद छुट्टी होगी अगर नेगेटिव हुआ तो। ये तो भाई लटक गया। आओ खाना खाते हैं। अब इसमें यार कोई ऑप्शन नहीं है, ये खाना ही पड़ेगा। और कुछ एक्स्ट्रा मंगाओगे तो यू कैन ऑर्डर एग करी और आप पता नहीं ब्रेड और ये चावल वावल ऐसे खाना पड़ेगा, कुछ अब कुछ नहीं कर सकते। चलो क्या लंच है समझ में नहीं आ रहा भाई। पाड़ू सॉस है एक करी, एक तो मंगाएंगे बाद में, ये सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। भाई इतना सा नहीं है, फाड़ू है, काफ़ी सुपर स्पाइसी है। मैं पता नहीं क्या है, साढ़े पाँच एक और लंच लंच आया, पता डिनर क्या आया, अभी तो किया था, लिखने क्या दिया इस बार। वाटर बॉटल, अरे यार शिम्प है क्या, पता क्या है भाई, ये क्या खिलाया अगर आम मालिक है। टाइम के पत्ते हैं यार, अब ये पता नहीं क्या है। वाटर बॉटल, डिनर। चलो अभी रुपये है नहीं, देखेंगे तो कर लेता हूँ। डिनर आ गया, डिनर करते हैं। ये पता नहीं कुछ जेली, ये है शायद स्ट्रॉबेरी लग रही है, कुछ मीठा मीठा सा है। पानी की बोतल और ये पिटारा, देखते हैं क्या दिया अभी। ओ भाई ये क्या दिया, चावल और फीका फीका सा चिकन और पता नहीं क्या है बस। ये सुबह वाले खाना रिपीट कर दिया, ये स्पाइसी चटनी। ठीक है भाई अपना भुजिया निकालो, मज़े से चपेटो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज तारीख है 24 फरवरी, मेरा दूसरा दिन आइसोलेशन का। कल का दिन तो मस्त निकल गया, हैप्पीएस हो गया, वीडियो एडिट किया था, वीडियो ने बना भी लिया। और अभी वह टाइम सुबह के तकरीबन 9:15 सिंगापुर के, इंडिया 2.5 घंटे पीछे है। मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका, ब्रेकफास्ट करते हैं और देखते हैं। आ चुका
कॉफ़ी, टमेटो सॉस और यह पता नहीं बन वन कुछ क्या है। ऑमलेट है, एक ही आलू कटलेट, और चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चाय तैयार है अपनी, ब्रेकफास्ट तो सही दिया है। टमाटर बहुत बड़ा है यार, इतना बड़ा टमाटर। ये है आपके प्योर एप्पल जूस, बड़ा सही सा है, अच्छा है। नूडल्स, ये शायद ऑमलेट है या पता नहीं क्या है। बन, कटलेट टेस्टी है, करते हैं भाई। चलो करते हैं लंच, टाइम हो गया तकरीबन डेढ़, सिंगापुर के लंच आ गया। देखो क्या आया है, लगभग सेम सा ही रहता है यार। और एक जूस और बनाना, तो भाई ये लंच है, चलो करते हैं। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तारीख आज 24 फेब, टाइम हो गया तकरीबन 7:30 सिंगापुर टाइम के हिसाब से, और आज मेरा आइसोलेशन का दूसरा दिन। दो मूवी देख ली सुबह से, जॉली एलएलबी 1, जॉली एलएलबी 2, भुवन बाम को देख लिया सुबह, खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट खा लिया, 2 घंटे सो गया, अब भी साला टाइम बाकी पड़ा है। डिनर आ चुका और बस कोई डिनर कुछ समझ आने वाला नहीं है। ये पता नहीं कुछ ब्राउनी है, पता नहीं क्या है, कुछ है, और सेम राइस, एग करी और कटलेट, ये डिनर। बस सेकेंड डे होने को है ख़त्म, कुछ नहीं करने को, विंडो से बाहर देख लिया। यूट्यूब और अगर इंटरनेट ना हो ना तो यार 3 दिन एसोसिएशन के यार बहुत महंगे पड़ने वाले होते हैं। काफ़ी दोस्तों के दिन भर फ़ोन आते रहते हैं, कभी ये फ़ोन कर रहा है, कभी वो फ़ोन कर रहा है, कहीं का टाइम निकल गया। कल का दिन और फिर परसों सुबह मुझे आरटी किट मंगवानी है, खुद ही ऑर्डर करना है, और शायद इनका कोई आदमी आएगा अपने साहब में टेस्ट करके अपलोड करेगा, तो देखते हैं। कल का दिन तो निकालना है अभी, तो चलो यार डिनर करते हैं और देखते हैं क्या देखना है। तो चलो भाई डिनर करते हैं। यार ये है क्या, ये तो नहीं पता मेरे को क्या दिया है, पनीर तो नहीं होगा, लेकिन क्या है ये, बीन्स और मशरूम है। यार ये पता नहीं क्या क्या देते हैं ये लोग, ये जरूर फिश ऑयल टाइप में कुछ होगा। और लड्डू, तो ये है आज का डिनर भाइयों। ये है अपनी एयर टिकट जो मार्केट में 4 सिंगापुर डॉलर में बिकती है, होटल वालों ने लिया है इसका $12। प्रॉब्लम क्या है ना यार, यहाँ वाटसन वगैरह पर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, और यहाँ इतनी खुजली हो रखी है ना यार कि बस रहा ही नहीं जा रहा। तो मैं कर डालता हूँ एक बार, दिखी जाएगी। तो ये है, होटल वालों ने दी है, चलो करते हैं टेस्ट इसका आज कैसा होती है, चलो देखते हैं। दिया कुछ भी नहीं, काटने वाटने का साधन नहीं है मेरे पास, यहाँ ऐसे ही खोलना पड़ेगा इसको। शायद इसके अंदर 2 हैं, हाँ 2 हैं इसके अंदर। अब देखो यार ये मुझे पता नहीं है, शायद बदमाशी है कि नहीं है या क्या है, जैसे इसने दिया यहाँ पे, हम देखो
मेरे पहले सिंगल लाइन ही थी, लेकिन बोला गया हमसे बाद में हल्की पिंक आई है पॉजिटिव, लेकिन चलो देखते हैं अब क्या है। चलो भाई ये क्या आती ये है इसके अंदर, ये है दो सॉल्यूशन जिसमें बाद में डालना है, वो ये दो किट और ये दो बर्ड्स। तो अभी अपन एक यूज़ करेंगे, एक बर्ड एक किट और सॉल्यूशन, बाकी एक रखते हैं कल के लिए, और ये डिस्पोज करने के लिए प्लास्टिक बैग। पहली बार हाथ सैनिटाइज कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। लोशन सॉल्यूशन खोल लेते हैं, ये है नोजल कैप, जस्ट ओपन किया, इसमें एक छोटा सा कैप है, ये ड्रॉप शायद बाद में इसको ड्रिप करने के लिए, और ये है वो सॉल्यूशन, चार बूंद ही है, चार बूंद उजाला। अब 10 बार इधर 10 बार इधर घुमाना है, अभी बोला 10 बार घुमाना है उसको। ये हो गया, इसको डाल देना है अपने को, इसके अंदर, और ये कर दिया हमने, ये करते हैं ये है किट मेन, एक लाइन नेगेटिव दो लाइन पॉजिटिव। तो चलो डालते हैं चार ड्रॉप, तो डाल दी चार ड्रॉप। अब बोला ये 15 मिनट का वेट करो, तो देखो मैं दिखाता हूँ चलने लग गया। दिखा रहा है, बाकी दुआ करो यार कि नेगेटिव ही रहूं। सी नेगेटिव, ये ऐसा बोला है, अगर आपकी लाइन सी पे है इट मीन्स यू आर नेगेटिव इंग्लिश पे, अगर आप सी में है तो नेगेटिव है। बस यार ये हल्की सी पिंक लाइन का पंगा ना फंसे, क्योंकि बाद में भी पिंक लाइन हल्की सी आ गई थी, सो यानी तभी भी हल्की पिंक लाइन आती नजर नहीं आ रही, बाकी देखते हैं। अब 15 मिनट तो वेट करना पड़ेगा, नेगेटिव आ गया, थर्ड डे ही मैंने कर लिया था, और होटल वालों को बोला तो मान भी गए, पर यह सारा स्कैम है मैं बताऊंगा बाद में। अभी यहाँ से मूव कर रहा हूँ, जंगल से निकल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सब पैकिंग है, मूव करता हूँ, टाइम हुआ तकरीबन यहाँ पे 1:15, और बस यार निकलता हूँ फिर बताता हूँ, है ना। पूरा एरिया लगभग सारे पॉजिटिव है, चलो करते हैं।